अफगानिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। मुल्ला बरादर के सामने मुंह की खा चुके हक्कानी नेटवर्क का नेता अब भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। अनस हक्कानी ने कहा है कि भारत पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान में युद्ध भड़काने में लगा था, लेकिन इसी हक्कानी ने हफ्ते भर पहले कहा था कि तालिबान कश्मीर मुद्दे पर दखल नहीं देगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि हफ्ते भर में ही हक्कान की जुबान फिसलने लगी और वो पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा। अनस का कहना है कि अफगानिस्तान के लोग भारत को अपना सच्चा दोस्त नहीं मानते और भारत को अफगानिस्तान को लेकर अपनी सोच बदलनी चाहिए। हक्कानी ने आगे कहा कि पिछले 20 सालों से भारत अफगानिस्तान में युद्ध भड़काने में लगा हुआ था। भारत ने अफगानिस्तान में शांति के लिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करने वाला ये वही हक्कानी नेटवर्क है जिसने 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर आत्मघाती हमला किया था। हक्कानी के इस हमले में 78 लोगों की जान चली गई थी। कहा जाता है कि इस धमाके को अंजाम देने के आदेश ISI ने हक्कानी नेटवर्क को दिए थे। बता दें कि ये आतंकी संगठन पाकिस्तान के इशारे पर काम करने के लिए जाना जाता है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद अंदेशा है कि भारत अफगानिस्तान रिश्तों में एक बड़ी बाधा हक्कानी नेटवर्क भी है। चाहे हक्कानी नेटवर्क हो या तालिबान, दोनों की बातों पर इतनी जल्दी यकीन नहीं किया जा सकता। तालिबान की सरकार ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो फंड्स के लिए चीन पर निर्भर है, क्योंकि चीन ही उसके लिए सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। वहीं पाकिस्तान लगातार तालिबान के पक्ष में दुनिया भर में लॉबिंग कर रहा है। तालिबान की सत्ता में चीन पाकिस्तान जैसे देशों का दखल साफ दिख रहा है। ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान जैसे देश तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का भविष्य में भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं।